Hello students, how are you all? I hope that you all are doing well. अच्छे से एग्जाम दिए अपने हाफ ईयर में की एंड टुडे फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड टर्म. ये हाफ ईयर में आपने पूरा कर लिया फर्स्ट स्टैंडर्ड का और अब जो आधा साल जो बाकी है टर्म टू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. टर्म वन में हमने लेसन नंबर 7 तक लर्न किया था तो आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे दैट इज लेसन नंबर 8. और उसके पहले मैंने यहाँ नीचे नोट किया है क्या है ये हाउस और किसका है ये हाउस आपका है या मेरा है. तो ये हम सबका हाउस है. हम कहाँ रहते हैं हमारे घर में रहते हैं है ना. तो हमारा जो एट लेसन है दैट इज माय होम. ये हमारा लेसन है लेसन नंबर 8 माय होम. ठीक है तो इसमें हमें हमारे घर के बारे में करना है. आप बोलते हैं घर के बारे में क्या करना हम रहते तो है हमें सब पता है हमें हमारे घर के बारे में. तो ये लेसन क्यों दिया है तो हमें पता है कि होम है वो ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम लोग But
देखेंगे, आपको मजा नहीं आएगा, बट ये विंडो में से जो एयर आएगी, थोड़ी सनलाइट आएगी, तो उससे हमारे जो का एटमॉस्फेयर है वो फ्रेश रहेगा और हमें वैसे भी मजा आता है। तो इसके लिए हम अपने घर में विंडोज रखते हैं, डोर्स रखते हैं, ताकि हम आ जा सके, बंद कर सके। रूफ होता है वो दो टाइप का होता है, ये स्लोपिंग रूफ है और कुछ जो रूफ होते हैं वो फ्लैट, जैसे टेरेस आपने देखा होगा, तो वो टेरेस वाला जो रूफ होता है उसे फ्लैट रूफ कहते हैं और ऐसा जो स्लोप होता है उसे स्लोपिंग रूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोपिंग रूफ, ठीक है। और हमारे घर में अलग अलग टाइप के रूम्स होते हैं, तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। रूम्स ऑफ हाउस, ठीक है। तो एक जो होता है वो है लिविंग रूम। कौन सा रूम? लिविंग रूम। लिविंग रूम किस लिए होता है? वहां हम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली स्पेंड टाइम टुगेदर। शाम को, रात में जब पूरी फैमिली साथ हो तो हम सोफे पे बैठ के टीवी देखते हैं, बातें करते हैं, कोई गेस्ट आए हैं तो हम जहाँ बैठे हैं वो जो रूम है उसे लिविंग रूम कहते हैं। कौन सा रूम कहते हैं? लिविंग रूम, जहाँ पर फ्रेंड्स एंड फैमिली है और वो सब साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं जिस रूम में, उस रूम को कहते हैं लिविंग रूम। फिर एक जो रूम होता है उसे कहते हैं बेडरूम। क्या? बेडरूम। बेडरूम किस लिए होता है? टू स्लीप एंड रेस्ट। जहां पे हम रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, वो हमारा बेडरूम है, उसे क्या कहते हैं? बेडरूम। फिर एक जो होता है वो होता है किचन। किचन में हम क्या रखते हैं? खाना बनाते हैं, कुक द फूड। और क्या क्या होता है किचन में? बाथरूम होता है, पता है ना। बाथरूम में बात करते हैं और उसमें टॉयलेट भी होता है, ठीक है। तो जनरली इतने रूम्स होते हैं। इसके अलावा आपने कोई बहुत बड़ा घर है तो उसमें स्टोर रूम होगा एक्स्ट्रा, बट वो ऑप्शनल है, किसी के घर में होगा किसी के घर में नहीं होगा। एक किसी के घर में भगवान के लिए
हाउस के बारे में हमने क्या सीखा कि हाउस हमें किससे बना